Good morning friends, my name is Ravi Sharma and I welcome you all in Concept Amplify. आज हम लोग बुद्धा पीरियड के बारे में बात करेंगे कि बुद्धा गौतम बुद्ध के जो समय के एविडेंसेस छत्तीसगढ़ से मिले हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर अवदान शतक है और जो चाइनीज ट्रेवलॉग थे ह्यूएनसांग उनकी पुस्तक सी यू की में ये कहा गया है कि लॉर्ड बुद्धा ने इस रीजन में छत्तीसगढ़ में विजिट किया था और यहाँ पे सिरपुर में 3 मंथ्स रहे थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवदान शतक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एंड सी यू की द ट्रेवलॉग ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएनसांग लॉर्ड बुद्धा विजिटेड इन छत्तीसगढ़ एंड स्टेड दिस प्लेस फॉर 3 मंथ्स इन सिरपुर। ओके, सिरपुर में ये 3 महीने के लिए स्टे किए थे। साथ ही साथ जो ह्यूएनसांग की जो बुक है यानी कि सी यू की, इसमें ही मेंशनड छत्तीसगढ़ एज किया सलो। ही मेंशनड छत्तीसगढ़ एज किया सलो यानी कि इन्होंने अपनी पुस्तक में छत्तीसगढ़ को किया सलो के नाम से बुलाया है। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि ह्यूएनसांग की पुस्तक में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है। सो आंसर इज किया सलो। और आगे देखते हैं, और जो एक्चुअली आनंद थे, आनंद कौन थे, ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे, गौतम बुद्ध के सबसे परम शिष्य थे ये। इन्होंने स्वास्तिक विहार एंड आनंद कुटीर विहार का क्या बोलते हैं डेवलपमेंट कराया था सिरपुर में। यहाँ पे इन्होंने इसको बनवाया था आनंद कुटीर विहार और स्वास्तिक विहार का कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्ट आनंद कुटीर विहार स्वास्तिक विहार इन सिरपुर। और जो एक्सकवेशन हुआ था मल्हार में यहाँ से अपने मल्हार कहाँ पे, मल्हार अपना बिलासपुर में है, मल्हार जो है वो बिलासपुर रीजन में है। यहाँ से बहुत से बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर और विहारास हमें मिले हैं। मल्हार बिलासपुर में है, बिलासपुर के जो मल्हार एरिया है वहां से हमें बहुत से बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स एंड विहारास, ठीक है, वो हमें मिले हैं। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड प्लेसेस की। बुद्धिज्म से रिलेटेड प्लेसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिरपुर। सिरपुर कहाँ है? सिरपुर है आपका महासमुंद में, महासमुंद। तुरतुरिया कहाँ है आपका? बलौदा बाजार। तुरतुरिया आपका बलौदा बाजार में है। तुम्मान आपका है कोरबा में। खल्लारी जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, खल्लारी कहाँ है? महासमुंद में। और तोंगापाल ये कहाँ है? बस्तर। ये कुछ प्लेसेस हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। और जो कोशल महाजनपद है, इट इज आल्सो मेंशन इन अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय इज अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, है ना। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, सॉरी, इट्स अ बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय। इसका मेंशन किसमें है? इसमें कोशल महाजनपद का मेंशन है। तो बुद्धा में इतना ही एविडेंसेस रिलेटेड है। सबसे पहले अवदान शतक और सी यू की में लॉर्ड बुद्धा को ये बताया गया कि लॉर्ड बुद्धा, इसमें ये बताया गया कि लॉर्ड बुद्धा ने छत्तीसगढ़ में विजिट किया था सिरपुर में और 3 महीने रहे। इसमें छत्तीसगढ़ को किया सिलो कहा गया है। एंड जो आनंद थे हिज फेवरेट स्टूडेंट, ही मेड स्वास्तिक विहार एंड आनंद कुटीर विहार इन सिरपुर। एंड जब हम लोग मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, व्हेन दे वर एक्सकवेटिंग मल्हार रीजन ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, दे फाउंड various Buddhist sculptures and viharas, and also the what are the places related to Buddhism, you have to see that Sirpur, Turturiya, Tumman, Khallari and Tongapal, these all are the places related to Buddhism. And last one is Anguttara Nikaya ka mention kaha hai, Anguttara Nikaya mein kya mention hai, Anguttara Nikaya is a Buddhist literature and isme Koshal Mahajanpat mentioned hai. To ye ho gayi बुद्धिस्ट पीरियड की बात। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट जैनिज्म, जैन की क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। ओके,
सो गाइज नाउ वी टॉक अबाउट जैनिज्म. वी टॉक अबाउट जैनिज्म. जो जैनिज्म पीरियड था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. जैनिज्म के एविडेंस छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ मिले हैं ये. और जैसा आप सबको पता है कि जैनिज्म में 24 तीर्थंकर्स थे, तो कुछ तीर्थंकर्स के एविडेंसेस छत्तीसगढ़ में कुछ प्लेसेस से मिले हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. और साथ ही साथ जो भगवती सूत्र है, जैन लिटरेचर है, भगवती सूत्र एक्चुअली उसमें कौशल महाजनपद का मेंशन है. और इसमें क्या है कि कौशल महाजनपद जो था वो एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट इज नॉर्थ कौशल और दूसरा है साउथ कौशल, जिसमें कि नॉर्थ कौशल के जो कैपिटल है वो श्रावस्ती बताया गया है एंड साउथ कौशल के कैपिटल को कुशथली बताया गया है. भगवान जो एक्चुअली भगवान राम थे, लॉर्ड रामा, उनके जो बेटे थे कुश, एक्चुअली रीजन उन्होंने कुश को दे दिया था, दैट्स वाई इस रीजन का नाम कुशथली भी पड़ा. तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जैन लिटरेचर भगवती सूत्र है उसमें कौशल महाजनपद का मेंशन है एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज नॉर्थ कौशल साउथ कौशल. एंड नॉर्थ कौशल कैपिटल इज श्रावस्ती एंड साउथ कौशल कैपिटल इज कुशथली. अब हम लोग कुछ जैन तीर्थंकर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से तीर्थंकर्स के एविडेंसेस हमें छत्तीसगढ़ में मिले हैं. तो सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके एविडेंस हमें दाऊदरहा गुंजी, जो कि कहाँ है आपका, जांजगीर एंड चांपा में. जांजगीर चांपा में जो गुंजी दमोदरा प्लेस है, यहाँ से ऋषभदेव के एविडेंसेस मिले हैं रिलेटेड टू गुंजी दमोदरा. एंड जो हमारे 16 तीर्थंकर थे शांतिनाथ, 16 तीर्थंकर शांतिनाथ, हिज एविडेंस वाज फाउंड फ्रॉम भाटागुड़ा बस्तर. भाटागुड़ा एरिया है बस्तर में, वहां से 16th तीर्थंकर जो शांतिनाथ है उनके एविडेंस मिले हैं. साथ ही साथ जो हमारे 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनके एविडेंस कहाँ से मिले हैं, दुर्ग के नागपुरा से, नागपुरा दुर्ग, यहाँ से हमें 23rd जो हमारे तीर्थंकर थे शांतिनाथ, सॉरी 23rd तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ, उनके एविडेंस हमें मिले हैं नागपुरा दुर्ग. और साथ ही साथ 24th तीर्थंकर जो आप सब जानते हैं कि दैट हु इज महावीर, वर्धमान महावीरा, हिज एविडेंसेस वाज फाउंड फ्रॉम आरन. आरन कहाँ है, रायपुर में. ठीक है, तो ये कुछ जैनिज्म के एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस ऑफ जैनिज्म व्हिच वर फाउंड फ्रॉम छत्तीसगढ़. सो प्लीज मेमोराइज दिस, है ना, लास्ट रिवाइज वन टाइम यू आल्सो रिवाइज दिस, दैट जैन लिटरेचर भगवती सूत्र में क्या है, कौशल महाजनपद का उल्लेख है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज वन, फर्स्ट इज नॉर्थ कौशल, सेकंड इज साउथ कौशल. नॉर्थ कौशल की कैपिटल क्या थी, श्रावस्ती. साउथ कौशल की कैपिटल कुशथली. जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, इनकी जानकारी मिलती है गुंजी दमोदरा जो कि जांजगीर चांपा में है. उसके बाद 16 तीर्थंकर शांतिनाथ, है ना, हिज एविडेंस वाज फाउंड फ्रॉम भाटागुड़ा बस्तर. 23rd तीर्थंकर, सॉरी 16 तीर्थंकर शांतिनाथ रिलेटेड टू भाटागुड़ा बस्तर. 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, एविडेंसेस फाउंड फ्रॉम नागपुरा दुर्ग. एंड 24th तीर्थंकर महावीर, एविडेंस फाउंड फ्रॉम रायपुर आरंग. यहाँ पे हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म खत्म हो गया है एंड हम लोग आगे अब मौर्यन पीरियड और सातवाहन पीरियड और उसके बाद फिर जो भी रीजनल डायनेस्टीज हैं छत्तीसगढ़ की उसके बारे में पढ़ेंगे एंड ग्रेजुअली वी मूव अप. जैसे जैसे पर डे वन वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा आप लोगों को, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी क्वेरीज होगी तो पूछिएगा. ओके, टिल देन थैंक यू सो मच गाइज़.